तो देवराजेंद्र का अहंकार समाप्त किया भगवान ने, देवराजेंद्र शरणागति हुए, क्षमा याचना मांगने लगे। तो भगवान तो दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, उनकी शरण में जो जाता है एक क्षण में उन्हें क्षमा कर देते हैं। भगवान ने कहा, तैने कोई अपराध नहीं करो भैया, तैने तो बहुत बड़ा उपकार करो। कहा, बोले सब ब्रजवासी मोह जिमामते गए, जिमामते गए, जिमामते गए, काऊ ने जल नहीं पिवायो, अगर तू इतनी जल की वर्षा नहीं करतो तो मैं प्यासो ही रह जाम। तो तैने तो जल बरसाए कि मेरी प्यास बुझाई है, तैने बहुत बड़ा सेवा करो है, बहुत बड़ी सेवा भई है ये। तो देखिए भगवान कितने दयालु, अपराध करने वाले को भी क्षमा कर देते हैं और अपराध को सेवा में बदल देते हैं। ये ठाकुर का ही स्वभाव हो सकता है, किसी और का स्वभाव नहीं हो सकता। दुनिया भर तो एक ही बात को जीवन भर याद रखती है, राधे राधे, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये दुनिया वाले बड़े अच्छे हैं साहब, इनकी एक बात मत मानो, इतने में तुमसे गुड बाय करके चले जाते हैं। बात है क्या? एक बात याद रखो, जिंदगी में जिसे अपना कहो उसे गैर मत कहो, जिसे गैर कह दो फिर उसे अपना मत कहो। वैसे दुनिया में कोई अपना तो और गैर तो कोई है ही नहीं सिवाय कन्हैया के, वही अपना है, वही अपना है। बाकी के तो ट्रेन में करोगे सफर तो दो चार लोग तो सामने आमने ऊपर नीचे की बर्थ पे मिल ही जाएंगे, ये वही है सब। तो रास की चर्चा प्रारंभ करें, सुंदर चर्चा है महारास की। रास किसे कहते हैं? तो रास के प्रारंभ में, रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में जो पहला श्लोक है, वो श्लोक ये दर्शाता है कि ये मानव की लीला नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने जो रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक लिखा, भगवान न पिता रात्रि शरदोद फुल्ले मल्ले कहा, भगवान की लीला है ये, मानव की लीला नहीं है। व्यक्ति कहां फंस जाता है, व्यक्ति कहां गलती करता है, व्यक्ति गलती तब करता है जब व्यक्ति सोचता है कि भगवान तो हमारी तरह ही है। काम में और निष्काम में क्या अंतर है? इन दृष्टि से आप देखोगे, संसार की दृष्टि से देखोगे तो एक ही चीज नजर आएगी। शास्त्रों में काम की निंदा की गई है बार बार, कोई भी शास्त्र उठा लो हर एक जगह पर काम की निंदा की गई है, और प्रेम की हर एक शास्त्र में वंदना की गई है, पूजा की गई है, उसे सराहा गया है। और देखने में दोनों एक जैसे ही हैं। कहते हैं इस रास में, जो रास श्री कृष्ण ने किया, पहली बात तो उस समय कृष्ण की आयु बहुत कम थी, 7-7.5 साल जब रास हुआ, और इस रास में सम्मिलित होने वाली कन्याएं 11 साल से लेकर 16 साल से लेकर 90 साल तक की थी। कितनी, कितने साल? अब वो प्रेम कौन सा होगा कि 90 साल की एक गोपी 7.5-7 साल के बच्चे को प्रियतम के रूप में देख रही है। प्रियतम समझना, प्रेमी, वो कौन सा तत्व है? याद रखिए संसार में तीन तत्व हैं, एक सर्वप्रथम ईश्वर तत्व, दूसरा जीव तत्व, तीसरा जड़ तत्व। जो जीव तत्व है वहां पर डिफरेंसेस होते हैं, ये मेरी हम उम्र का है तो प्रेम हो सकता है, वासना जग सकती है, ये मेरे से 25-30 साल बड़े हैं, 40 साल बड़े हैं तो उनको हम पिता और मां की दृष्टि से देखते हैं, मेरे से 10-12 साल कोई 20 साल छोटा है, 25 साल छोटा है, उसको हम छोटी बहन या भाई या छोटा बेटा उस नजर से देखते हैं, क्योंकि वो जीव तत्व है। जड़, आप जड़ में वो प्रेम की वासना, वो वैसी वासना नहीं रख सकते, आपको पता ही। क्या हम जीव होकर जड़ को प्रेम तत्व या प्रियतम के रूप में देख सकते हैं? जवाब दीजिए, हैं जी, देख सकते हैं?
नहीं। तो बोले एक ही तत्व ऐसा है जिसमें हम हर स्थिति में अपने प्रियतम की दृष्टि देख सकते हैं, और वो तत्व है ईश्वर तत्व। कौन सा? जोर से बोलिए। ईश्वर तत्व वो तत्व है जिसे जड़ चैतन्य भी, जड़ भी प्रेम कर सकते हैं और चैतन्य भी। और चैतन्य की आयु लिमिट कुछ नहीं है, मरने से एक सांस पहले भी मैं उसे अपना प्रेमी कह सकता हूं। मरने से एक सांस पहले, सिर्फ एक सांस पहले। हां जी कि ना जी, जोर से बोलेंगे जी। तो कृष्ण कौन सा तत्व है? जोर से बोलिए। गोपियां जीव तत्व है, ईश्वर तत्व श्री कृष्ण है। और जीवों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा प्रेमी और सबसे अच्छा प्रेमी है तो सिर्फ कृष्ण ही है, ईश्वर ही है, और कोई नहीं, कोई भी नहीं है।